जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि सोमवार 19 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। इन गुप्त नवरात्रि में कौन से कार्यों के लिए कौन से उपाय हमको करने हैं, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला, मनोवांछित फल पाने के लिए। अगर आपको लंबे समय से किसी मनोकामना पूरी होने का इंतजार है तो आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लगातार 9 दिनों तक सप्तशती का पाठ करने के बाद आखिर में कन्या भोजन कराएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा, शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय करना है। सभी प्रकारों के उपायों को करके हार चुके हैं और फिर भी विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चन आ रही है, तो गुप्त नवरात्रि में हर रात को माँ दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने के साथ आप एक घी का दीपक भी जलाएं। इससे जल्द ही आपको लाभ प्राप्त होगा। नंबर 3, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए। हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा करें और विधि विधान से करें। शुभ फलदायी साबित होगा। चौथा, नौकरी बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं और हवन करते समय चावल की खीर में शहद मिलाकर उसकी आहुति दें। इससे आपको घर का सकारात्मक वातावरण महसूस होगा, साथ ही बिजनेस और नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। ये थे कुछ उपाय जिनको हम गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।